गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी की बुक का पाठ नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ईमानदारी का इनाम। नवाडीह गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार था। वह प्रतिदिन जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार ले जाकर बेचता था। देखो बच्चों, लकड़हारा कौन होता है? जो लकड़ी काटने का काम करता है, ठीक है। लकड़ियों से जो भी धन उसे प्राप्त होता, वह उसी से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। पालन पोषण करने का अर्थ क्या होता है? वह उसी काम से अपने घर का जो है वो गुजारा करता था या गुजर बसर करता था, ठीक है, या कमाई का उसका यही साधन था लकड़ियाँ काटना। एक दिन वह लकड़हारा स्वर्ण रेखा नदी के किनारे एक पेड़ से लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। लकड़हारा दुखी होकर नदी के किनारे बैठ गया। तभी वरुण देव ने पानी से बाहर निकले। उन्होंने लकड़हारे की उदासी का कारण पूछा। उदास क्यों हो भाई? किसने किससे पूछा? लकड़हारे की उदासी का कारण वरुण देव ने पूछा, उदास क्यों हो भाई? लकड़हारा क्यों उदास हो गया था? क्योंकि जब वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे लकड़ियाँ काट रहा था, तो उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी थी। क्या कहूँ, लकड़ी काट रहा था, लकड़ी काटते समय मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। मुझे गोता लगाना भी नहीं आता, वही एकमात्र कुल्हाड़ी मेरी कमाई का साधन थी। देखो, कमाई का साधन का मतलब क्या हुआ कि उस लकड़ी के लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी के सहारे ही वो क्या करता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मैं गरीब लकड़हारा दूसरी कुल्हाड़ी नहीं खरीद सकता, लकड़हारे ने उत्तर दिया। किसको उत्तर दिया था? वरुण देव को। वरुण देव बोले, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल सकता हूँ, तुम यहीं बैठो, मैं अभी लेकर आता हूँ। देखो, फिर लकड़हारे को विश्वास दिलाते हुए वरुण देव जी कहते हैं कि तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी को अभी ढूंढता हूँ। वरुण देव ने पानी में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी हाथ में लेकर बाहर निकले। वरुण देव ने लकड़हारे की कुल्हाड़ी ढूंढने के लिए क्या किया? पानी में डुबकी लगाई और वो एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। वह बोले, लो अपनी कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी पाकर लकड़हारा और उदास हो गया। बोला, यह तो सोने की कुल्हाड़ी है, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, लगता है मेरी कुल्हाड़ी अब मिलेगी ही नहीं। अब हम अगला पेज देखेंगे, अपना बुक का अगला पेज देखो। निराश मत हो, किसने कहा? वरुण देव ने लकड़हारे को। मैं एक और कोशिश करता हूँ, यह कहकर वरुण देव ने पानी में फिर डुबकी लगाई। इस बार उनके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। बेचारा लकड़हारा और उदास हो गया और बोला, ये भी मेरी नहीं है, पता नहीं मुझे मुझसे क्या बुरा काम हुआ जिसकी भगवान मुझे सजा दे रहे हैं, मैं अब क्या करूं। ये सब बातें लकड़हारा दुखी मन से कहता है। वरुण देव ने कहा, रुको, मैं इस बार फिर कोशिश करता हूँ। वरुण देव ने फिर डुबकी लगाई और इस बार वे अपने हाथ में तांबे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकले। देखो, सबसे पहले तो जो वरुण देव हैं, कौन सी कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकले थे? सोने की। दूसरी बार जब उन्होंने डुबकी लगाई तो वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर निकले थे, और अब की बार उन्होंने तांबे की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। लकड़हारा यह कुल्हाड़ी देखते ही बिल्कुल निराश हो गया, लेकिन वरुण देव ने उससे कहा, मैं इस बार अंतिम कोशिश करता हूँ। फिर वरुण देव उसकी कुल्हाड़ी को ढूंढने के लिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं और पानी में डुबकी लगाते हैं। उन्होंने पानी में डुबकी लगाई और इस बार लकड़हारे की लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकले।
कुल्हाड़ी देखते ही लकड़हारे का चेहरा खिल गया और वह बोला, यह मेरी कुल्हाड़ी है, मैं आपका यह एहसान कैसे उतारूं? आपने मेरी सहायता ही नहीं बल्कि मेरे परिवार के गुजर बसर का भी प्रबंध किया है। गुजर बसर का मतलब क्या क्या अर्थ है? जो हमने पीछे पढ़ा था, पालन पोषण का, या उनके खाना खाने का एकमात्र यही सहारा थी। वरुण देव ने कहा, यह तो तुम्हारी परीक्षा थी, गरीबी में भी तुम ईमानदार बने रहे, सोने चांदी और तांबे की कुल्हाड़ियाँ देखकर भी तुम ललचाए नहीं। अब तुम ये चारों कुल्हाड़ियाँ ले जाओ, एक तो तुम्हारी है ही, बाकी तीन तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। उसके बाद वरुण देव अदृश्य हो गए, अदृश्य मतलब गायब हो गए। लकड़हारा अपने घर आ गया। देखो, लकड़हारे ने जो अपनी ईमानदारी दिखाई, इस सोने चांदी और तांबे की कुल्हाड़ी देखकर भी उसका मन नहीं ललचाया और उसने लोहे की कुल्हाड़ी को ही अपनी कुल्हाड़ी बताया। इसी से खुश होकर वरुण देव ने लकड़हारे को वो तीनों कुल्हाड़ी इनाम में दी। इस घटना समाचार सारे गांव में फैल गया। घटना को सुनकर लकड़हारे के पड़ोसी के मन में लालच आया, वह भी एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर वहीं लकड़ी काटने गया और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिराकर आंसू बहाने लगा। लालचवश किए जो लकड़हारे का पड़ोसी था, उसके मन में लालच था और उसने लालच में आकर ही ये काम किया था, जिससे वरुण देव जो थे भली भांति उसको जानते थे। किए गए इस कार्य के कारण वरुण देव प्रकट ही नहीं हुए और लकड़हारे को अपनी कुल्हाड़ी, लोहे की कुल्हाड़ी से भी हाथ धोना पड़ा। लकड़हारे का पड़ोसी बहुत देर तक इंतजार करता रहा, अंत में थक हार कर घर वापस लौट आया। लालच करना बुरी बात है, हमें अपनी ही वस्तु से संतुष्ट हो जाना चाहिए। देखो प्यारे बच्चों, हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की अच्छी चीज़ को देखकर उसकी तरफ लालच की भावना से नहीं देखना चाहिए। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। ठीक है, अब हमारे शब्दार्थ आते हैं, इनको पढ़ेंगे। परिश्रमी होता है मेहनती, नित्य का अर्थ होता है हर दिन प्रतिदिन, पालन पोषण का अर्थ होता है भोजन वस्त्र का प्रबंध, साधन का अर्थ होता है काम पूरा करने वाला माध्यम, डुबकी लगाने का अर्थ होता है पानी में नीचे जाना, प्रबंध का अर्थ होता है इंतजाम या व्यवस्था, अदृश्य होना अर्थात गायब होना। अब नीचे हमारे आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। मैंने इनके उत्तरों के निशान लगाए हैं, आप अपनी बुक में ये निशान लगा लें और बाद में ये सारे क्वेश्चन जो है अपनी कॉपी में नोट करें। लकड़हारा खालिस्तान नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। किस नदी के किनारे काट रहा था? स्वर्णरेखा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ग आएगा इसका उत्तर। लकड़हारे ने आखिरकार वरुण देव से खालिस्तान कुल्हाड़ी वापस ली। कौन सी कुल्हाड़ी वापस ली? लोहे की कुल्हाड़ी। इसका आएगा उत्तर घ। आगे है हमारे विलोम शब्द। सबसे पहले है सजा, सजा का उल्टा होगा इनाम। परिश्रमी, परिश्रमी होता है मेहनती, इसका उल्टा होगा आलसी। ईमानदार, ईमानदार का उल्टा होगा बेईमान, जो धोखेबाजी करता हो। गरीबी, गरीबी का उल्टा होगा अमीरी। असंबंध शब्द को रेखांकित कीजिए। अगला हमारा प्रश्न है, असंबंध का मतलब जो उससे मेल ना खाता हो, उससे संबंधित ना हो। जैसे किसान जो है सिंचाई करता है, जुताई करता है, हल जोतता है, लेकिन घुड़सवारी नहीं करता, इसलिए घुड़सवारी के नीचे हम लाइन खींचेंगे। लकड़हारा लकड़ी काटता है, पेड़ काटता है और उसके पास कुल्हाड़ी होती है, लेकिन गहने से उसका कोई संबंध नहीं होता। सुनार चांदी, सोना, हीरा, इन सब से संबंध रखता है, लेकिन शीशे से संबंध नहीं रखता। तो इसका शीशे के नीचे हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। आगे है हमारा, किसने किसको कहा? इस पाठ में जो अगर जिस बच्चों ने इसको ध्यान से सुना है तो वो इसका उत्तर बिना देखे ही बता सकते हैं। उदास क्यों हो भाई, किसने किसको कहा था? वरुण देव ने लकड़हारे को। वह मेरी कमाई का साधन थी, लकड़हारे ने वरुण देव को कहा था। जी छोटा ना करो, वरुण देव ने किसको कहा था? लकड़हारे को।
हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है, लकड़हारे ने वरुण देव को कहा था। नीचे हैं निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इनको इनके हमें क्या बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। परिश्रमी, लकड़हारा बहुत परिश्रमी था। परिश्रमी का अर्थ होता है मेहनती। साधन, कुल्हाड़ी ही उसकी कमाई का साधन थी। डुबकी, वरुण देव ने पानी में डुबकी लगाई। प्रबंध, हमें अपने गुजर बसर का प्रबंध करना चाहिए। किनारे, वह नदी के किनारे लकड़ी काटता था। अब यहाँ पर ये प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर मैं आपको बताती हूँ। पाठ जिन जिन बच्चों ने ध्यान से पढ़ा है वो भी बता सकते हैं इसके उत्तर, उनको याद भी हो गए होंगे अगर ध्यान से सुना है तो। लकड़हारा किस प्रकार अपने परिवार का लालन पालन करता था लकड़ियाँ काटकर। लकड़हारा क्यों उदास हो गया, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी नदी में जा गिरी। वरुण देव ने लकड़हारे से क्या पूछा, वरुण देव ने लकड़हारे से ये पूछा, उदास क्यों हो भाई, या तुम्हारी उदासी का क्या कारण है। लकड़हारे की उदासी दूर करने के लिए वरुण देव ने क्या किया, लकड़हारे की उदासी दूर करने के लिए वरुण देव ने उसकी कुल्हाड़ी को ढूंढने के लिए पानी में डुबकी लगाई। वरुण देव लकड़हारे से क्यों प्रसन्न हुए, क्योंकि लकड़हारा क्या था, बहुत ईमानदार था। लकड़हारे के पड़ोसी को लालच का क्या फल मिला, उसकी स्वयं की कुल्हाड़ी भी नदी में जा गिरी और उसे नहीं मिली। ठीक है बच्चों, अब हमारी बुक के नीचे ये कुछ इम्पोर्टेंट बात लिखी है, मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। बिना पूछे दूसरों की वस्तु ना लेना। हमें कभी भी किसी और की वस्तु उनसे बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए। ये अच्छी बातें हैं, इनका अपने जीवन में भी प्रयोग करना। परीक्षा में नकल नहीं करना आदि छोटे छोटे नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना। मतलब क्या है, जब तुम्हारे एग्ज़ाम होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, उनमें कभी भी नकल नहीं करनी चाहिए या चीटिंग नहीं करनी चाहिए, और इन नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, अगला पार्ट हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।